हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेदर में और मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु निर्माण। और आज हमें बहुत ही खास मेहमान ने ज्वाइन कर रहे हैं जिनका नाम है रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल सूर्यकांत चाफेकर सर। चाफेकर सर ने 1982 में एज अ पायलट ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करी थी और ये 2017 में एज अ एयर वाइस मार्शल रिटायर हुए। सर ने अपनी सेवाएँ भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न एयर बेसिस पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया शामिल हैं। सर के नाम हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर एज अ पायलट एज अ एयर और एयरक्राफ्ट के अंदर रहते हुए एयरक्राफ्ट को लैंड कराने का एक रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें दुनिया की सबसे हाई जो ऊँची हवाई पट्टियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है हमारे दौलत बेग ओल्डी का, जो कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट है। वहाँ पे सर ने 2008 में AN-32 अपना प्लेन लैंड करवाया था। उसके बाद में इसी के साथ में सर ने फूकचे, जो कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और इसके अलावा न्यूमा, जो कि 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे इन्होंने प्लेन लैंड करवा के और एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। और इसके अलावा सर को इसी कार्य के लिए सन 2009 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सर को इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में साल 2015 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया था। इसके अलावा सर रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी सारे हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके लिए ये आर्टिकल्स भी लिखते हैं और एक ये बहुत ही अच्छे डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और डिफेंस मोटिवेटर भी हैं। सर के जो आर्टिकल्स हैं, आप इन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया, लोकसत्ता और हमारे मध्य भारत के अंदर आने वाले एक अखबार जिसका नाम है द हितविद, उसके अंदर सर की आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सर सोशल रिफॉर्मर भी हैं, सोशल स्पीकर भी हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल्स, काफ़ी सारे हमारे जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें सर अपनी व्याख्या देते रहते हैं। और जो नौजवान जो कि भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एज अ इंटरव्यू मोटिवेटर भी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी यानी हमारा रिपब्लिक डे, जो कि हम साल 1950 से मनाते हुए आ रहे हैं। और रिपब्लिक डे के दिन हमारी तीनों सेनाएं और उसके अलावा जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनका ये मार्च पास्ट आप दिल्ली में राजपथ पे देख सकते हैं, और जो कि पिछले साल 1950 से लगातार चलते हुए आ रहा है। इसी दिन भारतीय वायुसेना के लिए भी एक खास दिन था, जिसमें भारतीय वायुसेना को पूर्णतया एक भारतीय वायुसेना का नॉमिनेशन प्रदान किया गया। साल 1950 से पहले ये हमारी भारतीय वायुसेना रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी, जिसमें रॉयल वर्ड ब्रिटेन की जो एयरफोर्स थी उसका एक नाम था, जिसे किंग जॉर्ज के जो एयरफोर्स यूज होती थी उसके लिए दिया जाता था। जैसे आज भी दुनिया के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनीज जो अपने आप को अभी हैं मौजूदा, या फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कैनेडा है, या फिर जो दूसरी कॉलोनीज हैं जो आज भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को अपनी यहाँ की महारानी मानते हैं, वो अपनी एयरफोर्स के आगे रॉयल वर्ड यूज करते हैं। जैसे रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स। तो आज हमें सूर्यकांत चाफेकर सर ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें हम इनसे कुछ बातें करेंगे जो हालिया जो घटनाएं हुई हैं और हालिया जो इंडक्शन हुआ है एयरफोर्स के अंदर तेजस विमानों को लेके, और जो अभी एक अपग्रेडेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम जानते हैं डिफेंस वेपन्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के नाम से, भारतीय वायुसेना और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए। तो सर हम आपसे सर कुछ बातें आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सर मेरा सर पहला सवाल ये है कि आप सर थोड़ा हमें सर ये बताएं कि जो सर हमारे जो तेजस विमान है, जिसकी अभी सर हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 48,000 करोड़ से का एक MOU साइन किया, जिसमें इन्होंने ये ऐलान किया है कि 83 टोटल तेजस इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें से 73 सीटर जो है सिंगल सीटर होंगे और 10 जो है ट्विन सीटर होंगे। तो सर आप क्या मानते हैं कि जो हमारे जो एक तेजस विमान है सर, इसका इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स में कितना महत्वपूर्ण है, थोड़ा सर इस पर प्रकाश डालें।
हम यदि सर्वप्रथम मैं आपके प्रेक्षकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और उनको आज के दिन में ये आश्वासित करना चाहूंगा कि भारतीय वायुसेना अत्यंत सक्षम है। जो कुछ लड़ाई विमान उनके पास है, उनको उनके साथ ही वो देश की रक्षा अच्छी तरह कर सकता है। परंतु बाकी देशों में जैसे आगे बढ़ना होता है, हर फील्ड में आगे बढ़ना पड़ता है, वैसे हम भी ये चाहते हैं हमारे देश में भी नए नए जहाज आए और वो उसका हम इस्तेमाल करें और आसमान की रक्षा कर पाए। भारतीय वायुसेना का प्रमुख जो जॉब है वो है कि मजबूती बहाल करना। आकाश के द्वारा कोई भी अपना शत्रु यहाँ न आए पाए, ये हम देखते हैं। उसके साथ ही जब कभी कुछ कैलामिटीज आती है तो उसमें भी वायुसेना मदद करती है। तो आपका सवाल था कि जो अभी हाल ही में सीसीए ने, कैबिनेट कमेटी साहब ने जो 83 विमानों का यू कैन से उसको प्रोजेक्ट को क्लियर किया, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जी सर, तेजस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। भारत जी बिल्कुल सर। में जो विमान बने हैं अब तक लड़ाकू विमान, उसमें सबसे प्रथम जो बना था वो था मारुत नाम का। ये इसे HF-24 कहा जाता था। ये एक लड़ाकू विमान था। और ये कैसे बना, ये 17 जून 1961 को इसकी पहली फ्लाइट हुई। और ये कैसे बना, इसकी बड़ी मजेदार और काफी लंबी ऐसी कहानी है। मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में आज बताऊंगा क्योंकि आप तेजस के बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं। जी तो जर्मनी में दूसरे महायुद्ध में उनका हार के कारण उनको उनकी सब एविएशन इंडस्ट्री बंद हो गई थी, ये आपको पता ही है। सर, तो जब नेहरू जर्मनी गए थे तब उन्होंने एक वहां के डिजाइनर थे बड़े अच्छे, उनका नाम था कर्ट टैंक, CURT, कर्ट टैंक, सर इनको लेके वो भारत में आए और उनको उन्होंने कहा कि हमें एक लड़ाऊ विमान बनाना है। तो ये मारुत जहाज जो मैंने आपको बताया उसके डिजाइनर थे कर्ट टैंक, ये जर्मन से थे। जी सर। अब ये विमान तकरीबन हमने 147 विमान बनाए, किंतु ये विमान ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। इसका कारण मैं प्रमुख बताता हूं, इसका जो इंजन था वो उतना पावरफुल नहीं था, एयर फ्रेम ज्यादा भारी हो गया और इंजन उतना पावरफुल नहीं था। तो ये सर्वप्रथम भारत ने लड़ाऊ विमान बनाया। और उसके बाद तकरीबन 1980 में और कोई विमान लड़ाऊ बनाने की बात ऐसे शुरू हुई। तो उस बात शुरू हुई तब उसको कहा गया LCA, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम ही रखा उन्होंने। जी और सर। ये LCA के अंदर सर्वप्रथम हमने तेजस बनाया है। तो 1983 में आपको ये जान के अचंबा होगा कि 560 करोड़ में का ये प्रोजेक्ट था बस। और अभी जो पास हुआ है, जो जिसकी बात आपने की, वो हुआ है 48,000 करोड़, जी 48,000 करोड़। कितना बढ़ गया है इसका कीमत आप जान सकते हैं। और सर। इसी के कारण ये जो प्रोजेक्ट जितना आप डिले करते जाओगे उसकी कीमत कैसे बढ़ती जाती है, ये इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, ऐसे मैं बोल सकता हूं। तो ये प्रोजेक्ट जो अभी है ये 3 प्रमुख PSUs ने ले रखा है। पहला है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, दूसरा है ADA, वो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और तीसरा है एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर। ऐसे 3 प्रमुख PSUs इसमें भागीदार है। और ये काम शुरू हुआ 83 में और पहला जहाज, पहली उड़ान जो हुई इस जहाज की, तेजस जहाज की, वो 1 जुलाई 2001 में हुई। तो आप सोच लीजिए 1983 में शुरू हुआ प्रोग्राम
जहाज बन पाया 1 जुलाई 2001 में। ये इसका नाम था तेजस मार्क वन, तेजस मार्क एक। पर इस ये जहाज वायुसेना को जब प्रदान किया गया तब तक 1 जुलाई 2016 इतना समय हो चुका था। तो 2001 से तकरीबन 2016 तक इस पे कुछ ना कुछ काम होता रहा और कुछ ना कुछ इसमें बढ़ाव चलता रहा, किंतु वायुसेना के पास ये सर्वप्रथम 2016 में आया और वो भी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस बोलते हैं हम, यानी कुछ कुछ चीजें ही उसकी थी। सारा लड़ाकू लड़ाऊ कारकिर्द के लिए जो चाहिए वो उसके पास था नहीं, तो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस IOC बोलते हैं उसको, इसके साथ ये पहले 16 विमान भारतीय वायुसेना को दिए गए। उसमें से पहले 3 विमान बैंगलोर में ही दिए गए और स्क्वाड्रन बैंगलोर में ही फॉर्म हुआ, किंतु उसके बाद वो शिफ्ट होके आप सबको पता ही है सुलूर में है अभी, कोयम्बटूर में। तो ऐसे 16 जहाजों के साथ ये पहला स्क्वाड्रन बना और दूसरा स्क्वाड्रन तकरीबन 4 साल बाद यानी 2020 में, मई 2020 में दूसरा स्क्वाड्रन बना। अब आप ये जो टाइमलाइन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना इसमें देरी हुई है। तो सब जब कभी हम इंडिजिनियस या भारत में बनी विमानों की बात करते हैं, सबसे प्रथम हमारे हमको दिमाग में लाना चाहिए कि जो टाइमलाइन है वो बहुत ज्यादा लंबी है। जी सर, उस कारण हमको काफी तकलीफ होती रहती है। पर अभी जो CCS ने आपने मेंशन किया, जी सर, 83 जहाजों का जो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर किया है उसमें तकरीबन अभी पहले तो HAL ने कहा था कि हम $59,000 करोड़ में बनाएंगे। अब HAL भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और गवर्नमेंट यानी इंडियन एयरफोर्स को ही वो जहाज दे रही थी, बट अपनी कीमत कैसे लगाई है देखिएगा आप। और अभी जब बातें बातें होने के बाद 48,000 करोड़ हुआ है, तो इतनी कम हुई है कीमत। उनका भी कह ठीक था, उन्होंने कहा कि भाई हम जो तकरीबन 500 कंपनियां हैं जिनको हम काम देते हैं इस जहाज का, वो तो करते हैं मेन असेंबली का, बट छोटे छोटे पुर्जे इधर उधर भी बनते हैं, तो वो 500 कंपनियों को आउट ऑफ मींस उनको अलग पेमेंट उनको करना पड़ता है, उसका ही तकरीबन 30% उनको देना पड़ता है, ऐसे उन्होंने कहा था। बट अभी कीमत 48,000 करोड़ तय हुई है और उसमें ये 83 जहाज मिलने वाले हैं। तो ये कीमत की एक खामियां थी या और भी कुछ खामियां थी ये देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इतना जब समय लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। तो हम प्रथम देखेंगे खामियां क्या थी। अभी मार्क वन जो दिया गया है वो तकरीबन हमको 32 जहाज दिए गए, 32 और 2 ट्रेनर, तो ऐसे तकरीबन 34 जहाज वायुसेना को दिया गया है। अब ये जो 83 है ये तेजस मार्क वन नहीं है, ये तेजस मार्क वन ए है। तो तेजस मार्क वन में और तेजस मार्क वन ए में क्या क्या अलग अलग चीजें है ये यदि देखना है हमको, तो उसमें खामियां क्या थी ये देखना जरूरी है, इसलिए मैं खामियां बता रहा हूँ। जी सर, हमारे देश में ही बनाया गया है किंतु खामियां बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि क्यों ये इतना टाइम लगा और अब क्या मिलने वाला है। मैंने बताया ना आपको इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस था, फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस नहीं था। तो अब जो जहाज मिलेंगे वो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ मिलेंगे और जो दूसरा स्क्वाड्रन मिला है उसको मिला है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। तो खामियां देखी जाए, सर्वप्रथम ट्रेनर जहाज बहुत कम है, यू नो फाइटर में अकेला आदमी बैठता है, किंतु वो जहाज उड़ाने की के लिए सिखाने के लिए आपको एक ट्रेनर चाहिए होता है, तो ट्रेनर जहाज की कमियां थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता इसमें थोड़ी कम थी। आजकल के विमानों में आप देखोगे, जहाजों में देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी काफी उपयोग किया जाता है, तो इसमें कुछ खामियां। फिर एक ये लड़ाऊ विमान है तो इसके पास ऑनबोर्ड रडार होता है, हवा में जब ये उड़ता है रडार होता है, तो उसमें एक रडार, दूसरा जहाज यदि आ रहा हो तो रडार वार्निंग रिसीवर बोलते हैं उसको,
उसको बताता है कि दूसरा जहाज आ रहा है आपके पास, तो उसमें कुछ खामियां थी। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज थी वो ये थी कि इसमें इसका वजन, जहाज का वजन थोड़ा ज्यादा था। हमने आपको पहले ही बताया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरफ हम जा रहे थे और वो लाइट का ही हम यदि नहीं कर पाए तो वो एक बड़ी खामी थी। वो काफी प्रतिशत कम हुई है अभी। दूसरी बात थी कि तकरीबन इसकी ईंधन क्षमता जो है, फाइटर्स की ईंधन क्षमता कमी होती है 45 से 1 घंटा तो वो चलता है, बट इसकी उससे भी कम थी इंटरनल टैंक से। आप ये जान लीजिए कि एक्सटर्नल टैंक जब लड़ाऊ विमान फाइटिंग करता है तब नहीं लगा सकता, तो इंटरनल टैंक में ज्यादा फ्यूल जाना चाहिए, तो इसकी ईंधन क्षमता कम थी। और ईंधन जो विंग्स में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है लड़ाऊ विमान में, तो वो प्रोटेक्शन भी इसका ठीक नहीं था। यानी यदि ये हवाई युद्ध के लिए गया और कहीं गोलेबारी हुई और विंग में लग गया तो ईंधन के टैंक को क्षति पहुंचने की काफी हो सकता था। इसीलिए इसका हम कह सकते हैं कि ईंधन क्षमता और ईंधन सुरक्षा दोनों का खामियां थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि पायलट की सुरक्षा का, सामने से जब सामने से हवाई जहाज के कोई दुश्मन आए तो पायलट की सुरक्षा की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये सारी खामियां जो पहले थी, अब हम मार्क वन से मार्क वन ए जो 83 जहाजों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसमें हम ये दूर करेंगे। परंतु इसमें खूबियां भी काफी है। मैंने खामियां इसलिए बताई क्योंकि क्यों मार्क वन से हम मार्क वन ए चाहिए, इसलिए मैंने खामियां बताई। पर जब मार्क वन बना था और ये जहाज रिप्लेस कर रहा था हमारे मिग 21 को, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए, तो मिग 21 से ये जहाज काफी बेहतर है, उसमें तो कोई शंका किसी ने रखनी नहीं चाहिए। परंतु हमने कहा है कि ये 4.5 जनरेशन या फोर्थ जनरेशन जहाज है, तो फिर इसमें तो कमियां जो है वो निकालना चाहिए, वो निकाल रहे हैं। अब इसकी खूबियां देखी, इसमें सबसे ज्यादा जो इसका वेग है, जो स्पीड से ये चलता है वो 1.6 मैक है, वो काफी अच्छा है। दूसरी बात इसमें है कि ये तकरीबन 5,300 किलो भार ले जा सकता है। और लड़ाऊ विमान का भार क्या होता है? लड़ाऊ विमान का भार मीन तुम कितना शस्त्र अस्त्र ले जा सकते हो। जहाज के विंग के नीचे हार्ड पॉइंट्स बोलते हैं, उसमें शस्त्र अस्त्र लगते हैं, मिसाइल्स लगते हैं, रॉकेट्स लगते हैं, तो तकरीबन 5,300 ये ले जा सकता है। इसका और एक अच्छा लक्षण है कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करता है, मीन्स हवा में ही ईंधन इसको दिया जा सकता है टैंकर से, उसकी व्यवस्था भी नहीं है। फिर ये डेल्टा विंग है, सारे हमारे जहाज अब तक डेल्टा विंग थे तो ये भी डेल्टा विंग है, तो पायलट को चलाने में आसानी। और ये क्या करते हैं, हायर एंगल ऑफ अटैक पे अच्छे ज्यादा चल सकते हैं, इसलिए इसकी ये खूबियां होती है। और इसमें फ्लाई बाय वायर है, तो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। और फ्लाई बाय वायर फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम, यानी जहाज को उड़ाने के लिए इसमें फ्लाई बाय वायर है। फिर इसमें जो रडार लगा है वो मल्टी मोड है, यानी साथ साथ हवा से हवा में युद्ध हो सकता है, हवा से जमीन पर भी युद्ध हो सकता है, तो इसका रडार भी काफी इफेक्टिव है ऐसे कहा जाता है। और इसका इंजन जो है ये इंडिया में बनानी है, वो जनरल इलेक्ट्रिकल से है, जीजी से कंपनी से, ये टर्बोफैन है, लेटेस्ट जेट इंजन है। और ये सबसे अच्छी खूबी उसमें ये है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक और डिजिटाइज इंजन है, मींस जो कुछ हेर फेर उसमें करने हैं, जब पावर खुलती है कम होती है, वो डिजिटाइज है, तो इस पे भरोसा ज्यादा। तो ऐसा ये इंजन है जिसमें हमने अभी मार्क वन ए हमको मिलने हैं 83, तो ये मिल पाएंगे कि नहीं वगैरह ये तो हम बाद में देखेंगे, किंतु अभी कहा गया है कि
70+3 तकरीबन 73 और 10 ट्रेनर, ऐसे मिलके 83 जहाज हमको मिलने वाले हैं। जी सर। तो सर सर इसी संदर्भ में सर आपने काफी अच्छी हमें जानकारी दी सर LCA तेजस विमानों के लिए। तो सर मेरा आपसे इसी संदर्भ में एक दूसरा प्रश्न ये है कि सर ऐसा क्या कारण है कि भारतीय वायुसेना के जो हमारे स्क्वाड्रन होने चाहिए थे वो जिनकी अनुमानित, ये माना जाता है कि अनुमान के हिसाब से कि टोटल 42 यानी 42 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के पास होने चाहिए अभी, लेकिन सर ये इनकी जो स्क्वाड्रन की गिनती है ये डाउनग्रेड होते होते अभी हाल फिलहाल 33 तक पहुंच गई है। तो सर इसका मुख्य कारण किसे माना जाता है सर? ये सवाल काफी बार पूछा गया है, अलग अलग फोरम में काफी डिस्कस हुआ है, किंतु आपने पूछा है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हम 42 या 43 स्क्वाड्रन हमको चाहिए थे, ये हम को तकरीबन दोनों फ्रंट पे काम आ सकते हैं। एक आप जान लीजिए कि भारतीय वायुसेना स्टैटिक फोर्स नहीं है, थल सेना थल सेना जैसे, ये डायनामिक है, वो मूव कर सकती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो जहाज का उपयोग दोनों फ्रंट पे हो सकता है। तो पूरे कैलकुलेशन करने के बाद कितने, किंतु आप ये तो जानते ही है कि सर्वप्रथम हमारे पास जो जहाज थे ज्यादा, सबसे ज्यादा वो ज्यादा रशियन जहाज थे, और रशियन जहाज में भी MiG-21 के बहुत ज्यादा स्क्वाड्रन थे हमारे। तो MiG-21 जब फेज आउट होने लगे, हमने उनको बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से बाहर तो निकाला, किंतु उनका रिप्लेसमेंट हम दे नहीं पाए। और ये क्यों नहीं दे पाए, इसका तो कारण आपको पता ही है, हमारा तो लोकशाही तंत्र है, तो कैसे खरीदा जाए, कौन खरीद, किससे लिया जाए, ये सब एक तरतीबवार तरीके से किया जाता है, किंतु इसमें काफी समय लग जाता है। ऐसे कहा जाता है यदि जहाज आप एक खरीद लो और वो जहाज को 5 या 6 साल होने के बाद तुरंत आपने सोचना चाहिए कि इसका रिप्लेसमेंट अभी क्या होगा। हम भारतीय वायुसेना ये सोचती है, डिफेंस फोर्सेस ये सोचते हैं, किंतु जब अपने ये जब चेंज ओवर करना होता है, तब यदि जहाज खरीदे गए नहीं तो चेंज हो नहीं सकता, और यही इसके साथ हुआ। MiG-21 स्क्वाड्रन सारे चरणबद्ध तरीके से निकाले गए, परंतु नए जहाज आ नहीं पाए, हम खरीद नहीं पाए, इसलिए 42 स्क्वाड्रन से हम अब 30+3 अराउंड 33 स्क्वाड्रन बचे हैं। तो तेजस अब इन स्क्वाड्रनों को फिर से रिवाइव कर पाएगा क्या, ये सवाल है। तो तेजस कैसे है मैंने आपको बता ही दिया, बट हमको अभी आगे चल के आपके डिस्कशन में ये देखना पड़ेगा, ये तेजस जहाज इन जो अभी 7 या 8 स्क्वाड्रन या 9 स्क्वाड्रन कम है हमारे, दो से पूरी हो सकेगी क्या, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। परंतु MiG-21 को रिप्लेसमेंट ना मिलने के कारण हम 42 से 33 पे आ गए, ये मैं बता सकता हूं। जी सर। सर इसी सर संदर्भ में एक छोटा सा मेरा सर सवाल ये है कि सर ऐसा क्या कारण है कि MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो केसेस आते रहते हैं लगातार सर, उनकी सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण वजह हो सकती है सर? देखो हमने आपको पहले बताया कि इसका रिप्लेसमेंट था नहीं, तो कुछ दिन तो इनको हमको चलाना पड़ा, किंतु आप ये जान लीजिए वायुसेना कोई भी खराब जहाज कभी भी हवा में उड़ने नहीं देती, ये तो आप ठान लीजिएगा। जब तक ग्राउंड इंजीनियर्स ये तय नहीं करेंगे कि यह जहाज उड़ने लायक है, तब तक कोई भी जहाज पायलट को दिया नहीं जाता। किंतु ये जहाज पुराने थे और इनका हमने जब हम अभी भी उड़ा रहे थे तो वो ऐसे ही पुराने जहाज हम उड़ा नहीं रहे थे, हमने उनका अपग्रेडेशन किया था। किंतु मैकेनिकल चीज है, खराबी हो सकती है तो दुर्घटना हो ही सकती है। तो दुर्घटना जब होने लगी तभी तो हमने डिसीजन लिया कि
अभी ये जहाज और कुछ दिन चल नहीं पाएगा, मीन्स इसका अपग्रेडेशन करके भी नहीं चल पाएगा, इसीलिए हम 42 से 33 पे आ गए। जो आपने सवाल पूछा उसी का आंसर यही है कि हम जबरदस्ती जहाज चला रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, किंतु MiG-21 ने हमको काफी अच्छी सेवा दी है, ये हमने जानना चाहिए। जी तो सर इसी संदर्भ में सर मेरा आपसे सर एक छोटा प्रश्न ये है कि सर ऐसा क्या कारण है कि अगर हमारे पास 42 स्क्वाड्रन अभी पूरे हो जाते हैं तो क्या हम उस टाइम टू फ्रंट्स वॉर, यानी एक पश्चिमी सीमा पे हमारे जो पाकिस्तान स्थित है और जो दूसरी सीमा पे हमारे ईस्टर्न सीमा पे जो हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना मौजूद है, तो क्या हम अगर ये सर दोनों देश एक साथ हमला कर देते हैं भारत के ऊपर तो क्या भारतीय वायुसेना दोनों टू फ्रंट्स वॉर लड़ने में सक्षम है इस समय? बिल्कुल, जब मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे 42 स्क्वाड्रन थे तो वो इसी सोच से बने हुए थे, ये जो नंबर तय किया गया था उसका कोई बेसिस था कि ये 42 स्क्वाड्रन हमारे लिए काफी होएंगे यदि हमको दोनों फ्रंट पे भी वॉर करना पड़े तो। और दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी कि इंडियन एयरफोर्स वायु भारतीय वायुसेना ये ऐसे स्टैटिक फोर्स नहीं है, ये गतिशील बल है जो फ्लेक्सिबल है, कोई भी रोल पे चेंज कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह काफी कम समय में पहुंच सकता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस 42 स्क्वाड्रन का इन वैसे 42 स्क्वाड्रन का गठन किया गया था और दोनों फ्रंट के लिए ये पक्का हमारे लिए सफिशिएंट है ऐसे मैं बोलूंगा। और अभी तो मॉडर्नाइजेशन भी काफी हुआ है, आपने रफाल के बारे में भी सुना है, अब तेजस आ रहा है, हमारे पास Su-30 है ही, तो ये सारे विमानों की विशेषताएं देखते हुए मैं आपको काफी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि दोनों फ्रंट पे हम दुश्मनों का मुकाबला अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो अभी रफाल जो आए हैं वो हिमालय रीजन में काफी इफेक्टिव रहेंगे और Su-30s और ये बाकी है वो भी काफी काम दे सकते हैं। और अब तेजस के 2 स्क्वाड्रन आ गए हैं और अभी हम जो चर्चा कर रहे थे आज 83 स्क्वाड्रन और जहाज और देने वाले हैं, तो उसमें तकरीबन 5-6 स्क्वाड्रन और बन सकते हैं। तो इन सब विमानों का गठन होने के बाद जब 42 स्क्वाड्रन हमारे पास हो जाएंगे तब हम जरूरी मुकाबला दोनों फ्रंट पे कर पाएंगे। और अभी भी जब हमारे पास कमी है तभी भी हमारे पास प्लान है कि यदि टू फ्रंट हुआ तो इन जहाजों का कैसे उपयोग किया जाए, तो अभी भी हम उसके लिए तैयार है, किंतु जहाजों की कमी के कारण थोड़े प्रॉब्लम आएंगे। बट मैंने जैसे बताया कि एयरफोर्स एक गतिशील बल है तो वो एक जगह से दूसरी जगह यदि जाना पड़े या कुछ करना पड़े कार्रवाई करनी पड़े तो कर सकते। जी सर, तो सर इसी संदर्भ में सर एक आपने अभी सर राफेल विमानों की बात करी, तो सर मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है इसी नजरिए को देखते हुए कि जब से सर भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की एंट्री हुई है तब से चाइना की तरफ से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए उनका जो एक अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है जिसका नाम है J-20 जो, तो सर उससे कंपेरिजन किया जाता है और चाइना के जितने भी हमारे प्रोपेगेंडा माउथ पीसेस अवेलेबल हैं इस वक्त जिसमें ग्लोबल टाइम्स है, CGTN न्यूज़ है, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि राफेल तो 4.5 जनरेशन का विमान है और J-20 जो है एक स्टील्थ प्लेन है जो कि 5th जनरेशन का विमान है। तो सर इस मुकाबले में क्या भारत की तरफ से राफेल विमानों का उपयोग J-20 के सामने ये क्या नामुमकिन है या मुमकिन है, सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जरूर, राफेल विमान की विशेषताएं पहले आपको जाननी पड़ेगी। सबसे पहले राफेल का जो इंजन है वो बहुत ही सक्षम ऐसे इंजन है, जो मैंने आपको तेजस के बारे में इंजन के बारे में बताया उससे भी बेहतर वो इंजन है। दूसरी चीज, राफेल के साथ ज्यादातर क्या हुआ है भारतवर्ष में, जब जब हमने विमान खरीदे हैं जहाजों की खरीदारी की है तब तक हमने उनको जो अस्त्र और शस्त्र सूट होंगे मीन्स उसी के साथ जो आएंगे वो खरीदे नहीं है। रशियन
जहाजों में ज्यादातर हमने ये देखा है कि रशियन जहाजों में हमने यूरोपियन मिसाइल्स भी लगाए, किंतु राफेल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग ऐसे है कि राफेल के साथ हमने काफी मिसाइल्स भी खरीदे हैं जो कि राफेल के ओरिजिनल मिसाइल्स हैं, और इसलिए उनका तालमेल जहाज के साथ बहुत अच्छा है। कुछ जो हैमर करके जो है वो एयर टू ग्राउंड है, और बाकी जो है एयर टू एयर जो है, तो एयर टू एयर जो मिसाइल उसमें लगने वाला है वो तो मल्टी टारगेट मिसाइल है, मींस एक साथ वो अनेक टारगेटों का को क्षति पहुंचा सकता है। तो ये राफेल की कुछ विशेषताएं हैं, और साथ साथ वो एयर टू एयर रिफिलिंग कर सकता है जी सर, और एक 24 घंटे में वो तकरीबन 5 सॉर्टियां कर सकता है। ये बात हुई राफेल की। अब हम J-20 का यदि देखा जाए, और राफेल की और एक विशेषता है, राफेल विमान ये 3 या 4 लड़ाइयों में इसका उपयोग किया गया है, मींस फ्रांस एयरफोर्स ने किया है इसका उपयोग, गल्फ में 2 उनके वॉर हुए वहां किया, और 2-3 जगह उन्होंने किया। तो ये लड़ाई में कैसे काम देगा ये हमको स्पष्ट है, अभी तक से ही पता है। परंतु J-20 जो है कि जो फ्रांस के द्वारा राफेल विमानों का जो उपयोग है, जैसे लीबिया, सीरिया और जो दूसरे जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें माली में हमले के लिए, माली में भी हुआ है, तो इस कारण वो युद्ध स्थिति में कैसे उसका फायदा हो सकता है यह हमने देखा हुआ है। किंतु J-20 कोई भी युद्ध में यूज किया नहीं गया है, उसका उपयोग हुआ ही नहीं है, तो वो एक्चुअल उसका परफॉर्मेंस कैसा है ये किसी को पता नहीं। थियोरेटिकली वो कहते हैं कि ये 5th जनरेशन जहाज है, किंतु चीनियों का कितना विश्वास करना चाहिए आपको तो पता ही है। और दूसरी बात ये है कि उनके जो मिसाइल्स है वो उतने इफेक्टिव नहीं है, और उनका जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे मैंने तेजस का आपको बताया 5,300, J-20 का थोड़ा कम है, और यदि टिबेट की हवाई पट्टी से उनको उड्डान भर करना पड़े तो जो पेलोड जो अस्त्र शस्त्र वो ले चलेंगे वो और कम हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर एक विमान में फ्यूल और पेलोड का कॉम्बिनेशन होता है। जी सर, फ्यूल ज्यादा लिया तो आपको अस्त्र शस्त्र कम लेने पड़ते हैं, अस्त्र शस्त्र ज्यादा लिया तो फ्यूल लेन कम करना पड़ता है, और ऊंची जो हवाई पट्टियां हैं उस पे से यदि आपको उड़ान भरनी है तो और कम हो जाता है वजन, कैरिंग कैपेसिटी और कम हो जाता है। तो J-20 का इन चीजों में रफाल के सामने थोड़े कम पड़ते हैं, ऐसे मैं कहूंगा। जी सर, तो सर मेरा सर इसी संदर्भ में सर एक आखिरी आपसे सर प्रश्न ये है कि हमारे सर फरवरी के अंदर सर इस साल फरवरी 2021 में जो हमारे बालाकोट पर जो हमले किए गए थे भारतीय वायुसेना द्वारा, उस पर सर 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं, तो सर इसी दौरान साल 2019 में जब ये हवाई घटना हुई थी जिसमें हमारे भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन के विमान को मार गिराया गया था पाकिस्तान के द्वारा, बालाकोट हमले के बाद जब ये पाकिस्तानी विमान भारत में आए, तो सर उसका अगर हम सर एक कंपैरिजन करना चाहें MiG-21 का और F-16 के बीच का, तो सर इसके बारे में सर हमें थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताएं कि सर MiG-21 और F-16 के सर थोड़ा डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और MiG-21 जब इतना पुराना विमान है F-16 से, तो सर फिर भी MiG-21 ने कैसे F-16 विमान को मार गिराया। F-16 एक मॉडर्न जहाज था, जैसे कि हमने रफाल लिया है उससे थोड़ा कम ही है, किंतु उस दशक का वो सबसे माहिर जहाज था, और MiG-21 तकरीबन 3 दशक पहले वाला जहाज था, उसका अपग्रेडेशन हुआ था जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये जो MiG-21 विमान अभिनंदन ने किया था वो अपग्रेडेड वर्जन था, तो वो उतना F-16 से कम नहीं था बट काफी कम था। और अब हमने एक बात जान लेनी चाहिए कि रशियन विमान ये जो होते हैं ये ज्यादा स्टर्डी होते हैं, मजबूत होते हैं, उनके इंजन अच्छे होते हैं, किंतु उनका इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एवियोनिक्स और बाकी चीजें थोड़ी सी यूरोपियन से कम होती है, और पायलट कंफर्ट
जो जहाज में पायलट बैठता है वो कॉकपिट का जो कंफर्ट है वो यूरोपियन जहाजों में ज्यादा होता है, रशियन जहाजों में कम होता है। किंतु जब F-16 और इसका मुकाबला हुआ तब एक चीज हमने हमेशा जान लेनी चाहिए कि जितना जहाज का महत्व होता है उतना ही महत्व जहाज में बैठे हुए पायलट का होता है। द मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इम्पोर्टेंट। और अपग्रेडेड MiG-21 था ये, तो उतना पिछड़ा हुआ नहीं था, और F-16 का मुकाबला वो इसलिए कर पाया क्योंकि हमारे जो लड़ाकू विमान के पायलट्स है, फाइटर पायलट्स जो है वो पूरे दुनिया में माहिर है अच्छे पायलट के लिए, इसका हमको स्वाभिमान होना चाहिए और वो है भी, क्योंकि जब हम मित्र देश कुछ एक्सरसाइज करते हैं अभी भी, जैसे फ्रांस के साथ अभी चल रहा है जोधपुर पे, तो जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तभी भी जब प्रैक्टिस में भी देखा गया है कि हमारे पायलट ये अति उच्च स्तर के पायलट है और इनको एयर टू एयर कॉम्बैट बहुत अच्छी तरह आता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि द मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स, और MiG-21 पुराना होते हुए भी पायलट की क्षमता से हम ये F-16 को गिरा पाए। जी सर, तो सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमें समय देने के लिए, और सर उम्मीद करते हैं कि सर आगे अब भी हमारे ये सिलसिला चलता रहेगा इसी द्वारा, और हमारे दर्शकों को आज आपके द्वारा सर जो दी गई जानकारी है वो बहुत ही अच्छी लगेगी ये आशा करते हैं सर। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद सर। जय हिंद। जी सर।